देखिए कमर पर प्लाक का मच्छी है। कंपनी में आ गया हूँ, अब यहाँ पे पहुँचता हूँ साइड में। ये सामने आ गया है रेस्टोरेंटो, अब बन गया है, रेडी हो गया है, अब हम चलते हैं खाना खाने। टाइम भी हो गया है एक। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, नए ब्लॉग में स्वागत है। सुबह का 9 बजा है और मैं यही टाटा पे ही खड़ा हूँ। ये देख सकते हैं, ये टाटा से गाड़ी भर के निकली है, ये देखिए। और दो गाड़ी कल का भर के निकली थी और मैं, मेरा नंबर आया है पहले पे, तो अभी बोल रहे थे गाड़ी भरने के लिए। और जिगर भाई से बात किया तो बोल रहे थे कि गाड़ी माल है तुमको मैं लगा देता हूँ, लेकिन उनसे पहले आधा घंटा पहले सिलेंडर कंपनी से फ़ोन आया था तदावत रोडवेज से कि सिलेंडर है तुम्हारा गाड़ी भरा कि नहीं भरा, नहीं तो मेरा माल भर लो। मैं बोला कि टाटा पे खड़ा हूँ क्या करूँ, तो बोल रहे थे कि खड़े रहने से अच्छा है कि आओ मेरा ही माल भर के जाओ। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ सिलेंडर कंपनी में जाके गाड़ी भरूँ, इससे पहले कुछ खाना वाना भी बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा मार्केट और वहाँ का कुछ लेके आते हैं और टाटा कंपनी से गाड़ी निकालेंगे और जाएंगे वहाँ सिलेंडर कंपनी में, वहाँ पे कुछ बनाएंगे, चलते हैं। दोस्तों मैंने गाड़ी लॉक कर दिया हूँ, अब जाता हूँ मार्केट, वहाँ से कुछ सब्जी टमाटर धनिया ले लूँगा और कुछ सेब वगैरह भी ले लूँगा। तो चलता हूँ यहाँ से, निकलता हूँ। दोस्तों मच्छी मार्केट में आया हूँ, कोई मच्छी अभी तक पसंद नहीं हुआ, देखता हूँ कौन सा मच्छी लूँ। बहुत सारे मच्छी है, कैटला है, चाइना है, देखता हूँ कौन सा मच्छी लेना का है। यही ले लेता हूँ टेंगरी। तो दोस्तों मैंने बाज़ार तो कर लिया और टेंगरा मच्छी ले लिया हूँ, अब चलता हूँ, अब थोड़ा फल भी लेना है। तो देखिए यही रोड पे आया हूँ, नवापुर रोड पे, और यहाँ पे एक फल का दुकान है, चलिए देखता हूँ क्या है। सेब लेने का विचार है, ये कैसे दिए सेब? 220। और क्या हिसाब लगाएंगे? 180 आपको लग जाएगा। 180। और अंगूर कैसे दिए? 50 का पाव है। टेस्ट कराइए जरा। हाँ टेस्ट करिए। 1 किलो दे दीजिए। और क्या दे दूँ आपको? बस 1 किलो बहुत हो गया। तो 200 रुपये अंगूर है, 180 के भाव ये लगाए, बहुत मीठा है। ये नवापुर रोड पे ही है इनका दुकान, ठीक है दोस्तों। तो हम अभी बाज़ार कर लिए और चलता हूँ ट्रक पे, ठीक है। मैंने हरा सब्जी ले लिया हूँ और टेंगरा मच्छी लिया हूँ, अब चलता हूँ गाड़ी में बनाता हूँ। ये गाड़ी में आ गया, ये देखिए दोस्तों मस्त फर्स्ट क्लास का मच्छी है, अब चलते हैं इसको बनाने। सबसे पहले मेरे दोस्तों अभी यहाँ से क्या करता हूँ कि गाड़ी में स्टार्ट करता हूँ और चलता हूँ वही सिलेंडर भरने, क्योंकि जिगर भाई हमको बोल रहे थे अभी रुको रुको, अभी डीओ निकलेगा फिर मिलेगा, मैं बताऊँगा। अभी दो गाड़ी भर के इधर देखिए निकल गई, अब मेरा गाड़ी का भी नंबर नहीं आया और उधर दो गाड़ी खड़ी है भर के। यहाँ से मैंने बात किया कि नहीं आपका अभी लेट से निकलेगा डीओ, इससे पहले मैं चलता हूँ वही सिलेंडर ही भर लेने हर बार की तरह। ऐसे निकलना है और वहीं पर चल के ये मच्छी उच्छी उधर गेट पे बनाऊंगा, ठीक है। आगे आइसक्रीम का कंपनी है, वहां पे रुकता हूँ, थोड़ा आइसक्रीम एकदम कौन और खाएंगे, वही नाश्ता तक करेंगे, फिर आगे निकलेंगे, ठीक है दोस्तों। उधर ट्रक लगाया हूँ और ये देखिए कंपनी के बाजू में आया हूँ, आइसक्रीम ले लिया एक 35 का और ये 2 10 वाला, ठीक है। मेरा नाश्ता होएगा। ये कंपनी है, इसमें हर दिन बन के जाता है आइसक्रीम। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये गाड़ी वाले अपना जान पहचान का है, नागपुर लाइन का गाड़ी है, यहाँ पे कंपनी के आइसक्रीम के बाजू में ही मिला मुलाकात हो गया है। देखिए लगा रहे भरने के लिए, आइसक्रीम खाते हैं। ये देखिए क्या नाम इसको दिया है, 3 कोन। देखते हैं कैसा इसका टेस्ट है दोस्तों, बहुत दिन के बाद हम कोन खा रहे हैं। अच्छा है,
फुल लाइन से चलते थे, अब देखिए बहुत दिन के बाद मिले हैं। क्या नमस्ते, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। आप आइसक्रीम खा रहे हो, हाथ मिलवा रहे हो, हम लोग भी खाली खाली खाएंगे हम। अरे लीजिए लीजिए आप। दोस्त भाई, बस बस ठीक है, आपसे मुलाकात ही नहीं। उसी दिन आप बनाए थे मुर्गी, बनाए थे ना आप, कुछ बनाए थे ना, भूल गए क्या? वो आवाज से नहीं पहचाना उस्ताद हमारे। देखिए वो सिलेंडर की कंपनी में उस्ताद मुर्गी बना के दिए थे, देखिए बहुत दिन के बाद हमारे उस्ताद मिले हैं। अब देखिए अभी इनका गाड़ी उधर अंदर डाले, कहाँ बने उस्ताद? बड़ौदा गुजरात के बने हैं, पहले नागपुर लाइन चलते थे, तो देखिए गुजरात के बने। नाश्ता तो हो गया दोस्तों, अब यही बाजू में ही कंपनी है, पहुंचता मैं वहाँ पे। कंपनी में आ गया हूँ, अब यहाँ पे पहुंचता हूँ साइड में। ये सामने आ गया है रेस्टोरेंटो, देख सकते हैं, चलता हूँ मैं एंट्री कराने। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? बस ठीक है, एंट्री हो गया, अब चलता हूँ 5 नंबर गेट पे लगाने। तो दोस्तों मैं कंपनी में आ गया हूँ और ये देख सकते हैं कि गाड़ी लगा दिया हूँ, एक लोडिंग पॉइंट पे गाड़ी लगी है और निकलने के बाद अपना गाड़ी लगेगी। तब तक मैं चलता हूँ मच्छी धोने और बनाने। देखिए मच्छी मैंने निकाल लिया हूँ, अब इसको धोता हूँ मैं। दो पानी धो गया, तीसरा पानी से धो रहे हैं। दोस्तों मैं मच्छी धो लिया हूँ दो पानी से, अब इसे हम नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे। अब चलता हूँ स्टोव चालू करने, चावल रखने। अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लियो, मैं कढ़ाई रख दिया हूँ, स्टोव चालू कर दिया हूँ। अब देखिए अभी कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसे हम तेल डालेंगे। तेल डाल दिया, कढ़ाई का तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम पीस डालेंगे और फ्राई करेंगे। एक एक पीस डालेंगे, तो दोस्तों अभी देखिए एक साइड फ्राई हो गया है, अब इसको दूसरे साइड फ्राई करेंगे। ये देखिए पलटी कर लेते हैं इसको, मस्त एक साइड हो गया। इस मच्छी का नाम है टेंगर मच्छी, हम लोग देहात में बोलते हैं टेंगरी। क्या बोलते हैं? टेंगरी। यहाँ पे बड़ा भी एक मच्छी होता है, टेंगर, टेंगरा बोलते हैं। अरे इतना मस्त फ्राई हो गया है, ठीक है। अब इधर भी फ्राई हो जाता है तो इसको निकाल लेता हूँ। इसी तरह से ये पूरी की पूरी हम फ्राई कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अभी हमारे दूसरा साइड भी फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकालते हैं। निकाल चुका हूँ और हमारा उस्ताद की गाड़ी भर गई है। हाँ भर गई, भर गई ना, भर गई। तो इनका कहाँ का भरे उस्ताद? अहमदाबाद, अहमदाबाद का भरे हैं। तो देखिए दोस्तों इनका भी गाड़ी भर के निकल दिए, अभी हमारा गाड़ी अभी लोडिंग पॉइंट पे लगाना है। देखिए सर इनका गाड़ी खड़ी है, आई सर पेपर मिल। हाँ तो दोस्तों अब ये निकलने वाले हैं, अब मैं अपना गाड़ी लगाता हूँ। अभी वॉचमैन नहीं आया है, गया है खाना खाने, 12:30 बज रहा है, लंच हुआ है। अब मैं बोला कि मच्छी खा के जाइए उस्ताद, तो बोलते हैं कि नहीं हम थोड़ा नॉन वेज नहीं खाते हैं, शाकाहारी हैं, पंडित जी हैं, हाँ इसके लिए नहीं खाते हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो पर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये गाड़ी अभी निकल रही है, ठीक है ठीक। अब हमारा फ्राई भी हो गया है, ये घानी बाकी है, अभी निकाल दूंगा। अब चलता हूँ मैं, अभी अपना गाड़ी पीछे लगाता हूँ। ये देखिए दोस्तों फर्स्ट क्लास का फ्राई कर चुका हूँ और अभी ये चावल भी रखना है। अभी चलता हूँ अभी मच्छी कड़ी का रेसिपी बनाने। और ये देखिए हमारा ये रखा हूँ काट कर, पहले तो है इसमें जीरा डालते हैं। ये देखिए जीरा डाल दिया, और उसके बाद से इसमें थोड़ा लहसुन मिर्ची का काट के रखा हूँ। ये देखिए अब इसमें है तेज पत्ता और कड़ी पत्ता, ये भी डाल देता हूँ।
भूजूंगा इसको। देखिए दोस्तों, लहसुन मिर्ची प्याज धनिया सब पेस्ट है इसके अंदर, इसके अंदर डालता हूँ। ये देखिए भूजते इसको। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, इसको खून लेते हैं, लेकिन अभी खूना नहीं, इतने डाल दिया। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी, ये देखिए धनिया पाउडर दो चम्मच छोटा वाला चम्मच से, उसके बाद से कश्मीरी मिर्च पाउडर एक चम्मच, उसके बाद से ये देखिए इसमें रखा हूँ राई। अब इसको हम भूजते हैं। अब इसमें दोस्तों हम पानी डालेंगे एक गिलास। ये देखिए मस्त भुजिंग हो गया है। बस इसको खौलाएंगे। तो दोस्तों अभी हम गाड़ी लोडिंग पॉइंट पे लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं। अब लोड अभी कर नहीं रहे हैं, अभी माल निकाला है धीरे धीरे, तो उसमें टाइम जाएगा, तब तक हमारा खाना बन जाएगा। तो तब तक थोड़ा नमक डाल रहे हैं, एक चम्मच डाल देंगे बस अंदाजा से। अब इसमें थोड़ा हम टमाटर का एक टुकड़ा था वो डाल देता हूँ। अब इसको खौलाते हैं, खौला के उतार देंगे, उसके बाद तो ये चावल रखेंगे। अभी फर्स्ट क्लास का खोल रहा है, इसमें हम डालते हैं फिश, एक ही बार डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों फर्स्ट क्लास का इसमें डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा सा डुबा देते हैं एक एक करके। बस थोड़ा सा नीचे से चला देते हैं। बस अब इसके धनिया हम डाल देते हैं। अब हमारा मच्छी बन गया है, 5 मिनट के बाद उतार देता हूँ। हमारा चावल बन गया है, देखिए वाह मस्त बना है दोस्तों। और हमारा मच्छी भी, ये देखिए फर्स्ट क्लास का मच्छी भी बन गया है दोस्तों। हम निकालते हैं इसको थाली में, खाना खाने बैठते हैं। तो दोस्तों खाना बन गया है, रेडी हो गया है, अब हम चलते हैं खाना खाने। टाइम भी हो गया है 1 और मैं निकलने जा रहा हूँ खाना खाने। आप लोग भी आइए खाइए साथ में। ये देखिए कितना मस्त बना है, और चावल भी ठीक है दोस्तों। तो पहले चावल निकालते हैं, मच्छी निकालते हैं दोस्तों। ग्रेवी अच्छा रखा हूँ ताकि थोड़ा तो खाने में अच्छा लगेगा। तो दोस्तों खाना खाते हैं, बहुत टेस्ट बना है, जवाब नहीं है दोस्तों। अभी फ्राई करके बनाने में बहुत टेस्ट लगता है। पहली बार गाड़ी में हम सिंगड़ा बनाए थे, इसका जवाब नहीं है दोस्तों। दोस्तों अभी 3 बज गया और अभी तक गाड़ी भी लोडिंग पे नहीं लगाया, लोड नहीं कर रहा है। अभी यही खाना वाना खा के आराम कर रहे हैं। और ये जो मार्केट से सेब लिया था
खाना खाने के बाद एक दो फल खाना ही चाहिए। तो शाम को 7:30 बज गया है और लोडिंग चालू है और मैं चलता हूँ कैंटीन में नाश्ता करने। समोसा वहाँ पे मिलता है, ये देखिए थोड़ा बहुत बाकी है, चलता हूँ। गरम गरम है, अभी 7 बजे का लंच होता है तो समोसा गरम गरम में निकालते हैं हम लोग। तो दोस्तों शाम को 8:10 हो गया है और अभी गाड़ी भर रही है और बढ़ते बढ़ते 9:30 का तो मछली जो दिन में बनाया था वो बहुत था, अब देखते किए बहुत ज़्यादा था तो उसमें से पूरी कढ़ाई भरा था तो मैंने उसमें से थोड़ा सा वाजमान भाई को दे दिया और अभी थोड़ा बचा है तो मैं खा लेता हूँ। क्या है कि अभी टाइम से खा लेंगे तो पछता रहेगा और फिर रस्सी मान के चलेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अभी शाम को 9:45 है और गाड़ी अभी लोड नहीं हुआ है और मैं तो खाना वाना खा के रेडी हो गया और देखते हैं, अभी तो कम ही ऐसा लगता है कि गाड़ी टाइम से छोड़ देगा और मैं कल खाली कर देगा, ऐसा तो नहीं लग रहा। देखता हूँ फिर भी, अगर रात में अगर जल्दी छोड़ देता है 10 तो ज़्यादा रात हो जाए तो मैं नहीं निकलूँगा क्योंकि वो रास्ता जो है ना जवाहर वाला रोड वो रात में बहुत कम चलता है, तो चमारी का डर रहता है, मोबाइल कोई छोड़ सकता है, पैसा लूट सकता है, ये सब रास्ते में गाड़ियाँ बहुत कम चलती है। 10 से पहले हम लोग निकलते हैं यहाँ से, मतलब 8 बजे निकलते हैं तो 10 बजे तक पूरी जवाहर घाट पार्क हो जाते हैं, लेकिन भरोसा नहीं, वही नहीं बोल सकते कौन सामने आ जाए कौन से क्या। ठीक है दोस्तों, अभी हम ब्लॉग को इन करते हैं, फिर से नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।